विजिट लक्षद्वीप, आजकल हर किसी की जबान पर यह बात है। जब से हमारे प्राइम मिनिस्टर ने लक्षद्वीप विजिट करा है, उनके ऊपर रेसिस्ट और हर्टफुल कमेंट करे हैं मालदीव्स गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स ने। अगर ब्यूटी की बात करें तो लक्षद्वीप कोई मालदीव से कम नहीं है, बट मालदीव इज एड व्हेन इट कम्स टू टूरिज्म, बिकॉज वी हैव सो फार नॉट प्रमोटेड लक्षद्वीप इन अ बिग वे। लेट्स लुक एट हाउ दीज टू आइलैंड ग्रुप्स कंपेयर। मालदीव्स में 1200 आइलैंड है जो 298 स्क्वायर किलोमीटर की रेंज में फैले हुए हैं, और हम लक्षद्वीप की बात करें तो इसमें 36 आइलैंड्स हैं जो सिर्फ 32 स्क्वायर किलोमीटर की रेंज में फैले हुए हैं। मालदीव्स की जीडीपी 6.1 बिलियन डॉलर है, वहीं पर लक्षद्वीप की जीडीपी का लेटेस्ट डेटा अवेलेबल नहीं है, बट इन 2010 इट स्टूड एट 80 मिलियन डॉलर। मालदीव्स में 1000 से भी ज्यादा होटल्स हैं, जिनमें से 100 से ज्यादा तो 5-स्टार होटल्स हैं। वहीं पर लक्षद्वीप की बात करें तो उसमें सिर्फ 150 होटल रूम्स हैं लैंड के ऊपर। मालदीव्स में हर साल 17 लाख टूरिस्ट आते हैं, जिनमें से 2.5 लाख इंडियंस होते हैं। वहीं पर लक्षद्वीप में सिर्फ 10,000। आज तक गवर्नमेंट भी लक्षद्वीप को प्रमोट करने में कॉशियस रही है, इवन हम इंडियंस को वहां पर विजिट करने के लिए परमिट लेना पड़ता है। But now it appears that the intent is changing. Over the past few years, the government has made a series of infrastructural announcement for Lakshadweep. Budget 2022-23 में लक्षद्वीप को 9.5 करोड़ रुपीस अलॉट हुए थे for tourism development. As of May 2023, लक्षद्वीप had a total power generation capacity of 30.1 megawatt. Now new projects are in the pipeline. वाटर विला प्रोजेक्ट्स एट कडमट एंड सुहेली हैव ऑलरेडी बीन अवार्डेड टू IHCL। कोची और लक्षद्वीप के बीच वीकली क्रूज भी स्टार्ट हुआ है जो 1500 टूरिस्ट को लेके आती है। एंड व्हाइल इंडियंस आर सर्चिंग ऑन गूगल हाउ टू विजिट लक्षद्वीप, सम एक्सपर्ट्स हैव सेड दैट द गवर्नमेंट शुड फोकस ऑन ओनली प्रमोटिंग द लग्जरी टूरिज्म। आज हैज ऑलरेडी अनाउंस दैट इट विल सेट अप टू होटल्स देयर एंड मेनी मोर विल बी ऑन देयर वे। If you like the video, please share this with your friends and make sure to subscribe to ICICI Direct. Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.